अजाब गजाब घर जमाई। इसमें भी काढ़ा नहीं है, कहाँ होगा काढ़ा। बहुत देर हो गई आज घर आने में वापस। नानी जी को पता लग गया ना, 12 पर जा जाएगी मेरे चेहरे पे। ये आवाज कैसी? कौन है वहां पे? साड़ू भाई, साड़ू भाई, मैंने आपको देख लिया है। एक हफ्ते से तुम्हारी वजह से सो नहीं पाया हूं मैं। मेरी हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोल दिया तुमने। अरे ऐसा क्या है तुम में जो मुझ में नहीं? आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। मैं तो यहां ये दौरे पड़ने लग गए क्या साडू भाई को? आप यहाँ? तो ये कौन है? ये क्या हो रहा है? कौन है ये महान? चोरू माता जी, चोरी करने आया था। चोर हमारे घर में? चोर? अरे 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 अरे, घबराओ नहीं, हम है ना। माफ कर दो साहब, मुझे नहीं पता था यहाँ पे आपके जैसे दबंग लोग रहते हैं। नानी, मेरे महान जी ने चोर को पकड़ लिया। पकड़ा तो पकड़ा लॉली, लेकिन कितना मारा बेचारे को। भाई साहब, आप यहाँ क्या करने आए थे? नजारा देखने आया था। अरे सुंदरी, चोर है, चोरी करने आया था। मैया, लेकिन तुमसे ना हो पाएगा। चलो जीजू, नींद ना आने का कुछ तो फायदा हुआ। हाँ। महान बेटा, आज तुमने बहादुरी दिखाकर बहुत महान काम किया है। तुमने इस चोर को अच्छा सबक सिखाया। हमें नाज है तुम पर। महान बेटा, बहुत अच्छा काम किया तुमने, इसे पकड़ लिया। सही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। छकल तो मार नहीं रहा, छकल दिखा दो। ये इतने पैसे खर्चते हो ये रुमाल पे, इस पे दाढ़ी क्यों नहीं बनवाते हो ये बताओ मुझे। सब पैसे नहीं साहब। ये ले, पैसे ले तू। चेहरे में और सर के बालों में फर्क नजर आना चाहिए ना। नानी जी, मैं इसको पुलिस स्टेशन छोड़ के आता हूँ, आ जा। साड़ू भाई, आप क्यों? मैंने पकड़ा है तो इसे पुलिस स्टेशन मैं ही ले जाऊंगा ना। हाँ, ये सही है। सही बात है, सही बात। एक मिनट। बड़े लाल, नाना समझ गया। ठीक है, बढ़िया बात है साड़ू भाई। अगर इसको छोड़ने से आपको चैन की नींद आ जाए, इससे बढ़िया बात क्या होगी। ले जाओ, ले जाओ। चलो। ये क्या, ये आपको ले जा रहा है? आप इसे ले जा रहे हो? हाथ पकड़ो भाई, चप्पल लेके जा हमारे घर में से, लेके जा अपनी चप्पल। हाथ में क्यों उठा रहा है यार, बेवकूफ आदमी, मुंह पे मारेगा कोई। अच्छा हुआ तो महान ने पकड़ा, नहीं तो मैं तो इसको इतना मारता, इतना मारता। खुलने वाली है, खुलने वाली है। पन्ना जी, चलिए सो जाइए, आप सपने देखने बंद कीजिए। चलो चलो बच्चों, सो। महान बेटा। जी नाना जी। अरे कल तो तुम पूरे घर के सामने हीरो बन गए हैं, तो नींद आई होगी ना तुम्हें? नींद नहीं आई नाना जी, नहीं आई। शक्ल से भी उल्लू लग रहा। नहीं, मेरा मतलब लग रहा कि जैसे रात भर उल्लू जागता है वैसे ही जागे हुए लग रहे हो। पता नहीं नाना जी, कुछ समझ में नहीं आया। नानी जी ने मेरी इतनी तारीफ करी, उन्होंने तो यहां तक कहा कि महान बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। उसके बाद भी नाना जी, मुझे नींद नहीं आई। ये नाना जी, मेरे कान तरस रहे थे ये सब सुनने के लिए। गलती है नानी जी को, गलत है। चिंटू, चिंटू, नानी जी की जय हो। अरे जय को गोली मारो, तुमने हमारी गाड़ी की क्या हालत बना दी? देर रात तक तुम हमारी गाड़ी को लेकर घूमते रहे। वो नानी, वो हालत देखी है तुमने गाड़ी की?
पूरा कीचड़ से लथपथ है, टायर पंचर है, हेडलाइट टूटी पड़ी है। नानी जी मैं बस वो उसको वो कुछ नहीं, उस गाड़ी को ठीक करने का जो भी खर्चा आएगा वो सब तुम्हारी तनख्वाह से काटेंगे हम। लेकिन नानी जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हमारी गाड़ी हमें उसी हालत में चाहिए जिस हालत में तुम ले गए थे। हटो हमारे सामने से। क्या खा लिया नानी जी ने आज? तुम कहां चले? सोने नाना जी। अब आएगी इसे चैन की नींद।